माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की गई है। सामने आईसीयू है और आईसीयू के बाहर पुलिस बल तैनात किया गया है और किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। यहाँ तक कि मीडियाकर्मियों को भी इस परिसर से बाहर किया जा रहा है। आपको बता दें, मुख्तार अंसारी काफ़ी समय से बांदा जेल में बंद थे और पिछले दिनों उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान ये आरोप भी लगाया था कि उनके खाने में उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी हत्या हो सकती है और उनकी हत्या बांदा जेल में कराई जा सकती है। इस आशंका के बाद और तमाम जांच पड़ताल के बाद बांदा जेल के कुछ अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई भी हुई और उसके बाद आज सुबह जब मुख्तार अंसारी की हालत बिगड़ी तो उन्हें बांदा के इस मेडिकल कॉलेज में लाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि उनको यूरिन इन्फेक्शन हुआ था, जिसके बाद उन्हें गंभीर पेन हुआ और गंभीर हालत में उन्हें यहां पर लाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। हालांकि पुलिस के अधिकारी खुलकर तो कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन उनका कहना यह है कि मुख्तार अंसारी को पेशाब हुआ है और पहले से उनकी हालत बेहतर बताई जा रही है। थोड़ी देर बाद मुख्तार अंसारी के परिजन भी यहाँ पर पहुँचेंगे। हालाँकि परिजन पहले ही आरोप लगा चुके हैं कि मुख्तार अंसारी की हत्या के प्रयास किए जा रहे हैं, हत्या कराई जा सकती है। ऐसे में देखना ये होगा कि जब बांदा मेडिकल कॉलेज उनके परिजन पहुँचते हैं तो क्या कहते हैं, और मुलाकात करने के बाद मीडिया के सामने जब वो आएंगे तो वो बताएंगे वास्तव में मुख्तार अंसारी की हालत कैसी है। वृजेंद्र सिंह के साथ श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट, बांदा।